हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटीवस टाइम फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फोर ईयर सीरीज़ के बारे में कंटीन्यूस टाइम फोर ईयर सीरीज़ के बारे में कंटीन्यूस टाइम फोर ईयर सीरीज़ में हमने क्या डिस्कस किया था अगर हमें किसी सिग्नल की एनालिसिस करना है फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूस टाइम फोर ईयर सीरीज़ और जो फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होता है सिर्फ और सिर्फ पीडिक सिग्नल के लिए होता है अगर हमारे पास पेरीओडिक सिग्नल है तो जो पीओडिक सिग्नल है उसको हम लोग फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इन अनदर वर्ड जो पीओडिक सिग्नल है उसी की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीकुंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ़ फोर ईयर सीरीज अगर हमारे पास अप्रियोडिक सिग्नल है तो जो अप्रीओडिक सिग्नल है उसकी हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे फ्रिकुनसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ़ फोर ईयर सीरीज़ तो यही रीज़न के वजह से आ जाता है फोर ईयर ट्रांसफॉम फोर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कोई भी हम लोग सिग्नल जो कि अप्रीओडिक भी हो उसकी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में और जो फोर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है एप्सोलूटली इंटीग्रेबल सिग्नल के ऊपर मगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी फोर ट्रांसफॉर्म में जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम लोग ऐसे सिग्नल की भी हम लोग ट्रांसफॉर्म निकाल सकते जो कि नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल का मतलब क्या होता है सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि स्टैप सिग्नल जो स्टैप सिग्नल जो होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल में डिफरेंस ये होता है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसमें हम लोग सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं और जो आउटकम होता है वो हमें इन्फिनिटी नहीं मिलता है और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और आउटकम में हमें इनफाइनाइट मिलता है जैसे कि स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो हमें आउटकम में क्या मिलता है इनफाइनाइट मिलता है क्योंकि जो स्टैप सिग्नल होता है उसकी एक्जिस्टिंग लिमिट जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है तो जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए ही एप्लीकेबल होता है मगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ कंसडर करेंगे फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की जिसके हेल्प से हम लोग नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल का भी ट्रांसफॉर्म ऑप्टेन कर लेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग सिग्नल की एनालिसिस करने वाले फ्रीक्वेंसी डोमेन में और वो सिग्नल प्रियोडिक भी रह सकता है और वो अप्रियोडिक भी रह सकता है तो हम लोग अप्रियोडिक सिग्नल की किस तरीके से एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे मगर उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑफ एक्सॉफ्टी सिग्नल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हमने कंसिडर किया था एक्स सॉफ्टी सिग्नल ये एक्स ऑफ्टी सिग्नल और यहाँ पर ये इम्पलसर सिग्नल दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें इम्पल्सर सिग्नल ही मिलेगा जहाँ पर यह एक्स ऑफ्टी सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ्टी सिग्नल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है टी यहाँ पर ये जो इम्पल्सर सिग्नल की जो वैल्यू होगी जैसे कि हमने डिस्कस किया ये दोनों का प्रोडक्ट कंसिडर करें तो हमें मिलेगा इंपल्सर सिग्नल और ये जो इम्पल्सर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स ऑफ जीरो तो ये एक्स ऑफ जीरो हमें कैसा मिला टी इज इक्ल टू जीरो टी इज ईवल टू जीरो पुट करे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ जीरो तो जो एक्स ऑफ जीरो होगा वो ये से सिग्नल की वैल्यू होगी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है तो ये रैंडम सिग्नल और से सिग्नल दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें से सिग्नल मिलेगा और ये से सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स ऑफ़ जीरो एक्स ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करें एक्स ऑफ टी सिग्नल को एट टी इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ जीरो सिग्नल तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्सर सिग्नल के कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग की वीडियोस में सिमिलरली एक्स ऑफ्टी सिग्नल और ये इम्पल्सर सिग्नल दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें जो सिग्नल जो मिलता है वो मिलता है एक्स ऑफ जीरो सिमिलरली अगर हम लोग शिफ्टेड इम्पल्स कंसिडर करें तो तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है शिफ्टेड इम्पल्स एक्स सॉफ्टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नाट इंटू डी टी तो ये एक्स ऑफ्टी सिग्नल और ये जो शिफ्टेड इम्पल्स है दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा सिग्नल एक्स ऑफ टी नॉट तो हमें ये कैसा मिला टी माइनस टी नॉट को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे हमें मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टी नॉट तो यहाँ पर ये टी की जगह पुट कर देंगे टी नॉट तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ टी नॉट तो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग शिफ्टेड इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स ऑफ टी नॉट इसके बारे में हमने डिस्कस किया है सिमिलरली हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था डेल अल्फ़ा टी प्लस माइनस बीटा ये किसके बराबर में होता है वन अपॉन मॉड अल्फा टाइम्स डेल ऑफ टी प्लस माइनस बीटा ये रिलेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था जब हम लोग प्रोडक्ट जब हम लोग इम्पल्सर सिग्नल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे सिमिलरली हमें पता होना चाहिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, है, ये इम्पल्सर सिग्नल ये इम्पल्सर सिग्नल पर अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करें तो जो इम्पलसर सिग्नल होता है वो एज इज़ होता है जो रिवर्सल होता है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है इम्पल्सर सिग्नल के ऊपर जो इम्पलसर सिग्नल होता है वो एज इट इज़ होता है हमने कॉन्वेलेशन के कॉन्सेप्ट में कंसिडर किया था एक्स ऑफ टी सिग्नल और ये इम्पल्सर सिग्नल दोनों का अगर हम लोग कॉन्विशन कंसिडर करें तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें मिलेगा एक्स ऑफ टी सिग्नल सिमिलरली यहाँ पर ये एक्स ऑफ़ टी सिग्नल और यहाँ पर हमने कंसिडर किया शिफ्टेड इम्पल्स दोनों का अगर हम लोग कॉन्विेशन कंसिडर करें तो हमें यही वाला सिग्नल मिलेगा शिफ्टिंग कितने से होगी टी माइनस वन तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टी माइनस वन सिमिलरली तो इस टाइप सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वेशन कंसिडर करें तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें मिलेगा रैम्प सिग्नल और हमने डिस्कस किया था ये सब हमने कॉन्वलेशन के केस में डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि जो प्रियोडिक इंपल्स ट्रेन होती है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं समीशन के इज टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डैल ऑफ टी माइनस के टी और जो इंपल्स ट्रेन का जो फोरियर सीरीज कोफिशेंट होता है वो क्या होता है वो होता है वन अपॉन टी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है सिमिलरली हमने डिस्कस किया था ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम लोग कंटिन्यूस टाइम फोर ईयर ट्रांसफॉर्म स्टडी कर रहे हैं तो सिमिलरली हमने डिस्कस किया था दो अगर हम लोग गेट सिग्नल का दो गेट फंक्शन का अगर हम लोग दो गेट फंक्शन का अगर हम लोग कॉन्वलेशन कंसिडर करते हैं यहाँ पर ये एक्स ऑफ्टी सिग्नल हमने कंसिडर किया है इसके एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन माइनस ए से प्लस ए के बीच में और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी और इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है माइनस ए से प्लस ए के बीच में बहुत हद तक ये क्लियर है कि ये भी गेट फंक्शन है और यहाँ पर ये भी गेट फंक्शन है दोनों का अगर हम लोग कॉन्विशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा इसको हम लोग नाम देंगे एक्स ऑफ टी इन कॉन्वेलेशन विथ एच ऑफ टी और इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी माइनस टू ए से प्लस टू ए तो माइनस टू ए से प्लस टू ए क्यों होगी क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये माइनस है तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस टू है और यहाँ पर ये यह प्लस है और यहाँ पर ये यह प्लस है तो हमें क्या मिल जाएगा प्लस टू ए तो ये दोनों सिग्नल है दोनों सिग्नल का हमने कॉन्विशन कंसिडर किया ये दोनों सिग्नल का कॉन्विशन कंसिडर करने के वजह से हमें मिला ये वाला सिग्नल इसके एक्सिस्टिंग लिमिट है माइनस टू ए से प्लस टू ए के बीच में सिमिलरली हमने डिस्कस किया था फोर ईयर सीरीज़ में हमने कंसिडर किया ये गेट फंक्शन हमने कुछ इस तरीके से प्री गेट पल्स कंसिडर करी थी और इसका जो टाइम पीरियड था वो था माइनस टी ओ पॉइंट टू से टी ओ पॉइंट टू टोटल टाइम पीरियड था टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो हमने प्रियोडिक गेट पल्स कंसिडर किया है इसका जो फोर ईयर सीरीज कोफिशेंट था एक है वो बराबर में था साइन के ओमेगा नॉट टी वन और डिनोमिनेटर में पाई के यहाँ पर ये यह जो क्यू होता है वो हमें इंडिकेट करता है हार्मोनिक ओमेगा नॉट हमें इंडिकेट करता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंस इट टी वन टाइम परेड ये टी वन हमें इंडिकेट करता है हाफ ऑफ दिस गेट पल्स और सिमिलरली डिनोमिनेटर में पाई जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये जो क्यू होता है वो हमें इंडिकेट करता है हार्मोनिक सिमिलरली यहाँ पर ये जो हमने जो गेट फंक्शन जो कंसिडर किया था प्रियोडिक गेट फंक्शन हमने जो कंसिडर किया था इसके हेल्प से हमने क्या ऑप्टेन किया था डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन और ये जो डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन हमने जो ऑप्टेन किया था इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी इसको हमने नाम दिया था ए के ये जो डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन हमने जो कंसिडर किया इसको हमने नाम दिया था ए के तो यहाँ पर ये ए के वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एट के इज इक्वल टू जीरो जिसको हम लोग इवेलुएट कर रहे थे तो हमें मिल रहा था इनडिटर्मिनेट फंक्शन वो इन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसिडर किया था एल हॉस्पिटल्स रूल मतलब हमें डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन मिला था इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन जो कि हमें कुछ इस तरीके से मिला था एके की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी एट के इज इक्वल टू जीरो जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे तो हमें जीरो अपॉन्ट जीरो के फॉर्म में आउटकम मिल रहा था तो वो इनडिटर्मिनेट फंक्शन था उसको इवेलुएट करने के लिए हमने अप्लाई किया था एल हॉस्पिटल्स रूल टू फाइंड ए के वैल्यू और हमें आउटकम मिला था टू टी वन अपॉन्ट टी तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये अभी हमें सिर्फ जो डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन है इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है ये जो डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन है हमने डिस्कस किया था इसमें दो इम्पल्स के बीच की स्पेसिंग कितनी थी ओमेगा नॉट जो स्पेसिंग थी दो कंजीकेटिव इम्पल्स के बीच की वो कितनी थी ओमेगा नॉट स्पेसिंग इन बिटवीन टू कंजीकेटिव इम्पल्सेज वो कितनी है वो है नॉट और हमने डिस्कस किया था कि जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है के ओमेगा नॉट इसके बारे में हमने बात किया फोर ईयर सीरीज में मगर हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं ओमेगा नॉट और ये जो के ओमेगा नॉट होता है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो यहाँ पर हमें पता है टाइम पीरियड के लिए रिलेशन टी इज इक्वल टू टू बाई अपॉन ओमेगा नॉट इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इज ईक्वल टू वन अपॉन टी तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि अगर हम लोग टाइम पीरियड को अगर हम लोग इंक्रीज करें तो जो ओमेगा नॉट होगा वो डिक्रीज़ करेगा ये ओमेगा नॉट है डिक्रीज़ करेगा इसका मतलब जो दो इम्पलसेस के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो डिक्रीज करेगी और ओमेगा नॉट इंक्रीज करेगा जब टाइम पीरियड डिक्रीज़ करेगा तो जब टाइम पीरियड डिक्रीज़ करेगा तो उस केस में ओमेगा नॉट इंक्रीज़ करेगा इसका मतलब ये जो इम्पलसेस है इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो इंक्रीज़ करेगी राइट हमने डिस्कस किया था हर कन्जीगेटिव इम्पलसेज के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है वो होती है ओमेगा नॉट स्पेसिंग बिटवीन टू कंजीगेटिव इम्पल्सेस कोई भी अगर हम लोग दो इम्पल्सेस के बीच की अगर स्पेसिंग कंसिडर करें वो कितनी होती है वो होती है ओमेगा नॉट तो अगर हम लोग टाइम पीरियड को अगर हम लोग इफिनिटी एज्यूम कर ले तो उस केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा ओमेगा नॉट डिक्रीज करेगा टाइम पीरियड को अगर हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम कर लें तो उस केस में जो ओमेगा नॉट रहेगा वो जीरो के बराबर में रहेगा मतलब ये जो ओमेगा नॉट होगा वो जीरो रहेगा ये ओमेगा नॉट जीरो होगा मतलब जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो ज़ीरो होगी और ये जो इम्पल्सेस होगी वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लग जाएंगी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी को हम लोग जब टाइम पीरियड हम लोग इन्फिटी एज्यूम करेंगे तो जो ओमेगा नॉट होगा वो जीरो होगा ओमेगा नॉट जीरो होगा जिसके वजह से जो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा के ओमेगा नॉट वो कंटिन्यूस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा और ये जो इम्पल्सेस होगी वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगेंगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर ईयर में जब टाइम पीरियड को इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे तो ओमेगा नॉट जीरो रहेगा और जो डिस्क्रीट वेरिएबल रहेगा के नॉट के ओमेगा नॉट वो कंटिन्यूस वेरिएबल ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इंपल्स हो गए वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगेंगे या फिर बोल सकते हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है यहाँ पर ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स है जो हम लोग जो सिग्नल जो कंसिडर कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल तो ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हो गए वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगेंगे जो इम्पल्सेस हो गए वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगेंगे और ये रीज़न के वजह से कोई भी जो सिग्नल होता है उसकी हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद दी हेल्प ऑफ कोई भी सिग्नल मतलब अपीरियॉडिक सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद दी हेल्प ऑफ़ फोर ईयर ट्रांसफॉर्म सिर्फ ये एज्यूम करते हुए कि जो टाइम पीरियड होता जो टाइम पीरियड होगा वो वो इन्फिनिटी होगा मतलब टाइम पीरियड को इन्फिनिटी एज्यूम करते हुए कोई भी अप्रीओडिक सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस किया प्रियऑडिक सिग्नल अप्रीओडिक सिग्नल के बारे में अगर सिग्नल अगर अप्रीओडिक होता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पर जाके जो सिग्नल होगा वो प्रियऑडिक हो जाएगा टाइम पीरियड इन्फिनिटी पर जाके जो सिग्नल होगा हो वो प्रियोडिक हो जाएगा वही कंसिड्रेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं, जो अप्रियोडिक सिग्नल होता है जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं, जिसके वजह से जो के ओमेगा नॉट होता है वो ओमेगा के बराबर में होता है और वो जो सिग्नल होता है उसकी हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं अप्रियोडिक सिग्नल की अनालसिसिस कर पाते हैं फ्रीकवेंसी डोमेन में तो जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा तो उस केस में क्या होगा जो के ओमेगा नॉट होगा वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था एनालिसिस इक्वेशन में जब हम लोग कंटिन्यूस टाइम फोर ईयर सीरीज पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था एनालिसिस इक्वेशन जो कि होता है ए के इज इक्वल टू वन अपॉइंट टी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस टी अपॉइंट टू अपर लिमिट टी अपॉइंट टू एक्स ऑफ टू टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग टाइम पीरियड को इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे जो टाइम पीरियड है जब इसको हम लोग इन्फिनिटी एज्यूम कर लेंगे तो ये जो के ओमेगा नॉट होगा वो किसके बराबर में होगा वो ओमेगा के बराबर में होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी तो उस केस में जो के ओमेगा नॉट होगा वो ओमेगा के बराबर में होगा तो अगर हम लोग ये टाइम पीरियड को इन्फिनिटी एज्यूम करें तो ये जो के ओमेगा नॉट होगा इसके जगह क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनालिसिस इक्वेशन को हमने एक और एक बार कंसीडर किया यहाँ से हम लोग एक और एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमने एनालिसिस इक्वेशन कंसीडर किया ए के इज इक्वल टू वन अपॉन्ट टी जो कि हमने फोर ईयर सीरीज में डिस्कस किया था एनालिसिस इक्वेशन एके इज इक्वल टू वन अपॉइंट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस टी अपू अपर लिमिट टी अपॉन्ट टू एक्स टी इन टू ई टू दी पावर माइनस जे की ओमेगा नॉट टी डी टी डी टी यहाँ पर ये जो टी है उसको हम लोग एके के एक एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ टी ए के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन टू अपर लिमिट टी अपॉन टू एक्स टी इंटू ई टू दि पावर माइनस जे की ओमेगा नॉट टी डी टी तो यहाँ पर ये यह जो टर्म है इसके साथ हम लोग लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो इंटीग्रल है इसके साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट टी टेंस टू इफिनिटी तो हमें मिल यहाँ लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटू ए के इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी टू अपर लिमिट टी अंट टू एक्स ऑफ्टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे की नॉट टी डी टी यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है लिमिट टी टेंस टू तो इन्फिनिटी टी इन्टू ए के ये हमें इंडिकेट करता है एनवलप ऑफ़ फोर ईयर सीरीज कोफिशियंट और ये बराबर में होता है सिग्नल के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के अब ये एनवलप क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे तो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म में जैसे कि हमने डिस्कस किया था फोर ईयर सीरीज में सिग्नल का जो फोर ईयर सीरीज कोफिशियंट होता था उसको हम लोग कैसा शो करते थे ए के बी के सी के ए वन ए माइनस वन सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग शो करेंगे एक्स ऑफ ओमेगा से बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी किसी भी सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स ऑफ जी ओमेगा से जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा जे को नहीं कंसिडर करें तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा जो कि कर्सर मूव करता हुआ हमें शो कर रहा है तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी इन टू ए के ये हमें इंडिकेट करता है एनवलप ऑफ फोर ईयर सीरीज को इफिशेंट जो कि बराबर में होता है सिग्नल के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के और हम लोग जो एक्स जो कंसिडर करते हैं वो होता है कैपिटल लेटर एक्स सिग्नल का जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स ऑफ जी ओमेगा से और यहाँ पर ये जो एक्स होता है वो होता है कैपिटल लेटर एक्स तो यहाँ पर सबसे पहला एनवलप क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन है ये डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग फंक्शन और यहाँ पर हमने ड्रा किया ये कंटिन्यूस लाइन तो ये जो कंटिन्यूस लाइन हमने जो ड्रा किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनवलप ऑफ फोर ईयर सीरीज को इफिशियंट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एनवलप होता है फोर ईयर सीरीज को इफिशियंट का वो हमें कौन सा टर्म इंडिकेट करता है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी इन टू ए के तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी इन टू ए के ये हमें इंडिकेट करता है ये कंटिन्यूस लाइन जो हमने जो ड्रॉ किया है शेडेड लाइन जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं एनवोलपोर ईयर सीरीज को एफिशियंट तो यहाँ ये यह जो लिमिट टी इंटू ए के टी टेंस टू ये किसके बराबर में होता है सिग्नल के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट टी इन टू ए के टी टेंस टू इन्फिनिटी ये बराबर में होगा एक्स ऑफ जी ओमेगा के तो यहां पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो सेम जो पूरा जो स्टेप है उसको हमने यहां पर कंसिडर किया लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी टी इन टू ए के ये बराबर में होता है सिग्नल के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के लिमिट टी टेंस टू तो इन्फिनिटी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस टी अपॉर्ट टू टी अपॉर्ट एक टू एक्स ऑफ तो टी इंटू ई टू दावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है पूरा जो टर्म होता है वो सिग्नल के फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के बराबर में होता है तो हम लोग लिखेंगे एक्स ऑफ जी ओमेगा इक्वल टू की साइन यहाँ पर अभी हमें क्या कंसिडर करना है टाइम पीरियड को हमें इन्फिनिटी एज्यूम करना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टाइम पीरियड को जैसे ही हम लोग इन्फिनिटी एजूम कर लेंगे तो जो के ओमेगा नॉट होगा वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइम पीरियड जब टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो उस केस में जो के ओमेगा नॉट होता है जब टाइम पीरियड टी टेंस टू इफिनिटी होता है तो उस केस में जो के ओमेगा नॉट होता है वो बराबर में होता है ओमेगा के तो जो के ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर में रहेगा ओमेगा के बराबर में रहेगा और जब हम लोग टाइम पीरियड को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लोअर लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट होगी प्लस इन्फिनिटी तो मिल जाए इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स सॉफ्टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी क्यों ओमेगा नॉट के बदले हमें क्या कंसिडर करना है ओमेगा तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर एक्स ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इफिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स सॉफ्टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी तो यहाँ पर ये है क्या अगर हमें किसी भी सिग्नल का फोर ईयर अगर फाइंड आउट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी सिग्नल का अगर हमें फोर ईयर फ़ाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन फार्मूला टू कैलकुलेट फोर ईयर फ्राम दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ सिग्नल ये फार्मूला से हम लोग फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दोनों सिग्नल का कैलकुलेट कर सकते हैं प्रियऑडिक सिग्नल का भी और अप्रीओडिक सिग्नल का भी हम लोग फोर ईयर ट्रांसफॉर्म सिग्नल का क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि जो सिग्नल है उसकी हमें एनालिसिस करना है फ्रिकुवेंसी डोमेन में इन ऑर्डर टू डू एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल इन फ्रिकुवेंसी डोमे सिमिलरली अगर हमें सिग्नल का अगर हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म अगर हमें दिया हुआ है सिग्नल का हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ और हमें पता लगाना है कि टाइम डोमेन में जो सिग्नल होगा कौन सा सिग्नल होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन एक्स ऑफ्ट इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर जी ओमेगा टी डी टी तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें क्या इंडिकेट रहा है जो सिग्नल है उसका हमें फोर ईयर दिया होगा सिग्नल का हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन दिया होगा मगर सिग्नल का हमें टाइम डोमेन वर्जन फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ सिग्नल का हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दिया है मगर टाइम डोमेन में वो कौन सा सिग्नल है वो हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला रिलेशन सिग्नल का अगर हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दे दिया जाए और हमें सिग्नल के बारे में पता लगाने बोल दिया जाए तो, जा तो हम लोग यूज करते ये वाला रिलेशन और अगर हमें सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो हम लोग यूज करेंगे ये वाला रिलेशन तो यहाँ पर ये यह जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म सिमिलरली हमने डिस्कस किया था सिंथेसिस इक्वेशन में ए के इज इक्वल टू वन अपॉन्टी इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स सॉफ्टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉथर्टी डी टी और ये हमने कंसिडर किया है सिंथेसिस इक्वेशन ये एनालिसिस इक्वेशन था ये एनालिसिस इक्वेशन फोर ईयर सीरीज में हमने डिस्कस किया ये है सिंथेसिस इक्वेशन एक्स सॉफ्टी इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई टू दी पावर जे के ओमेगा नॉथर्टी सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर हमें किसी सिग्नल का फोर ईयर सीरीज कोफिशियंट अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं ये सिंथेसिस इक्वेशन ये सिंथेसिस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं और एनालिसिस इक्वेशन का यूज़ करते हैं अगर हमें सिग्नल का फोर ईयर सीरीज कोफिशियट फाइंड आउट करने बोल दिया जाए सिमिलरली सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने बोल दिया जाए तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर सिग्नल का अगर हमें सिग्नल का फोर ईयर सीरीज़ दिया हुआ है सिग्नल का हमें फोर ईयर सीरीज़ रिलेशन दिया है और सिग्नल का हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन एक्स ऑफ होमेगा इसम इट्टी टेंस टू इन्फिटी टी इन टू ए के जो फोर ईयर सीरीज कोफिशियंट होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इन्फिटी कंसिडर करते हुए चलते हैं जिसके वजह से हमें सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म मिल जाता है सिमिलरली अगर हमें सिग्नल का फोर ईयर सीरीज़ फ़ाइंड आउट करने बोल दिया जाए और अगर हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन सिग्नल का फोर ईयर सीरीज़ कोफिशियंट हमें फ़ाइंड आउट करने बोला गया है और हमारे पास गिवन क्या है सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन एज ईवल टू वन अपॉन्टी एक्स ऑफ ओमेगा ओमेगा इज ईग्वल टू के ओमेगा नॉट ये रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एक्स ऑफ ओमेगा और हम लोग कंडीशन कंसिडर करते हुए चलते हैं कि जो ओमेगा होता है वो बराबर में होता है के ओमेगा नॉट के तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर किसी सिग्नल का अगर हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है सिग्नल का जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स ऑफ ओमेगा से और जो एक्स होता है वो कैपिटल लेटर एक्स होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो so, सिग्नल का हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला रिलेशन और यहाँ पर हमने रिलेशन कंसिडर इक्वेशन ऑफ इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये वाला जो रिलेशन है और ये वाला जो रिलेशन है दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए और ये वाला जो ये वाला जो रिलेशन है इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं सिग्नल टाइम डोमेन में कौन सा सिग्नल होगा वो हमें फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर हमें सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म पता होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर वन को कंसडर करें एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोवर लिमिट माइनस इफिनिटी अपर लिमिट प्लस इफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमगा टी डी टी उसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर वन इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाए इंटीग्रल लोवर लिमिट माइनस इनफिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर जी ओमेगा टी डी टी इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर टू तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये जो टी ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा और यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी पर हमें कंसनट्रेट करना और यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी और यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा सबसे पहले अगर हम लोग ये ओमेगा को अगर हम लोग जीरो कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ जीरो और यहाँ पर ये जो ओमेगा है हमें जो दिखाई दे रहा है वो भी हो जाएगा जीरो e टू दी पावर जीरो हमें पता है ये वन के बराबर में होता है वन इंटू एक्स टी हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी तो मिल जाएगा एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ्टी इंटू डी टी यहाँ पर यह हमें क्या बोल रहा है एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया अंडर द सिग्नल जो कि कौन से डोमेन में एग्जिस्ट करेगा टाइम डोमेन में एग्जिस्ट करेगा एक्स ऑफ टी सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता है एरिया अंडर द टाइम डोमेन सिग्नल एरिया अंडर द टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर t की जगह जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो t जो दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में यहाँ पर भी हो जाएगा जीरो तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा x ऑफ़ जीरो इज इक्वल टू तो वन अपॉइंट टू बा इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर जीरो है वन के बराबर में होगा एक्स ऑफ ओमेगा इंटू वन हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में टू पाई इंटू एक्स ऑफ जीरो हमें मिल जाए टू पाइन टू एक्स ऑफ़ जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रल टू पाई को एक्स ऑफ जीरो के साथ कंसिडर कर लेंगे मिल जाऊँ टू पॉइंट टू एक्स ऑफ़ जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म है सिग्नल का इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द सिग्नल विच इज एक्जिस्टिंग इन फ्रीकवेंसी डोमेन यहाँ पर हमें कौन से सिग्नल का एरिया मिलेगा और कौन से डोमेन में मिलेगा यहाँ पर जब हम लोग ये ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे जब हम लोग ये ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर दि सिग्नल विच इज़ एग्जिस्टिंग इन फ्रीकवेंसी डोमेन राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये जो एक्स ऑफ टी है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें माइनस इफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर दि सिग्नल विच इज एग्जिस्टिंग इन टाइम डोमेन तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के अभी हम लोग कुछ सिग्नल्स कंसिडर करेंगे और वो सिग्नल्स के लिए हम लोग फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी यहाँ पर ये यह हमने सिग्नल कंसिडर किया है ई टू दावर माइनस ए टी यू ऑफ टी जो सिग्नल है इसका हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो so सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है ये वाला रिलेशन एक्स ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इनफिनिटी अपर लिमिट प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा मेगा टी डी टी तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले सिग्नल को अगर हम लोग कंसिडर करें ई टू दी पावर माइनस ई टी यू ऑफ टी ये जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है और ये जो सिग्नल होगा वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा तो ये जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से राइट साइडेड सिग्नल मिलेगा और ये जो सिग्नल होगा वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा ये सिग्नल के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं अगर हमें किसी सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू आफ टी तो ये एक्स ऑफ टी के जगह पुट कर देंगे ई टू दी पावर माइनस ए टी यू आफ टी तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी इन टू ई टू दी पावर माइनस जियो मेगा टी और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टी यहाँ पर ये स्टेप सिग्नल है स्टेप सिग्नल का एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक के होता है जीरो से वन से बीच जीरो से इन्फिनी के बीच में होता है तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी जीरो से इन्फिनिटी और इस स्टेप सिग्नल की वैल्यू कितनी होती है वो होती है वन तो सबसे पहले लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर उसके बाद वाले स्टेप में जो यू टी होगा उसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो वन होती है तो यहाँ पर अभी अगर हम लो देखे, लोग देखें यहाँ से मिल जाएगा एक्स ऑफ होमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ए टू दी पावर माइनस ए ट यू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी उस तो टाइप सिग्नल की जो वैल्यू होती है वो होती है वन तो ये हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी इसके आगे हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पर ये जो टी जो दिखाई दे रहा है टी दो बार है तो टी को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए प्लस जी ओमेगा टी इंटू डी टी अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए प्लस जी ओमेगा टी और डिनोमिनेटर में माइनस ए प्लस जी ओमेगा लोअर लिमिट ज़ीरो और अपर लिमिट इन्फिनिटी अभी हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटी को हम लोग आई मीन हम लोग लिमिट को पुट करेंगे तो जब हम लोग लिमिट को पुट करें टी के जगह जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा जीरो माइनस साइन जब टी के जगह पुट करे जीरो तो ई टू दी पावर जीरो हमें क्या मिल जाएगा वन तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वन डिनोमिनेटर में ये जो पूरा जो टर्म है उसको हमने कंसिडर किया माइनस ए प्लस जी ओमेगा तो यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से माइनस वन कैंसल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लो ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी ये जो सिग्नल होता है इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एक्स ऑफ ओमेगा जो के बराबर में होता है वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा के है. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकंड यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी यो सिग्नल है इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ टी के बदले हम लोग कंसडर कर सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा तो ई टू दावर माइनस ई टी यू ऑफ टी इसका जो फोर ईयर ट्रांसफार्म होता है वो होता है वन अपन ए प्लस जी ओमेगा इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ई टू दि पावर माइनस ई टी यू आफ़ टी जो सिग्नल है इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ ओमेगा ये बराबर में होता है वन अपॉन ए प्लस जी होमेगा के यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो फंक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्योंकि जो फंक्शन है इसमें हमें एक रियल टर्म दिखाई दे रहा है और हमें एक इमेजनरी टर्म दिखाई दे रहा है राइट तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसकी अगर हम लोग एनालिसिस करें जबकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा सिग्नल हमें दिया होगा और सिग्नल का हमें सिंपली कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का रहेगा मगर इसको हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं फिर उसके बाद हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने जो कंसीडर किया है जो ट्रांसफॉर्म हमने जो कंसीडर किया है जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड और फेज अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली अगर हम लोग फेस एंगल कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा फेस एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा जो फेस एंगल होगा ट्रांसफॉर्म का ये पूरे ट्रांसफॉर्म का फेस एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए इसको हम लोग लिख सकते हैं फेस एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया है ये हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है और यहाँ पर हमने फेस एंगल कंसिडर किया है यहाँ पर हमने क्या किया हमें ट्रांसफॉर्म मिला और ये जो फंक्शन ये जो ट्रांसफॉर्म जो मिला ये सिग्नल का ई टू दी पावर माइनस ए टी वो है वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा यहाँ पर इसका हमने मैग्नीट्यूड रिलेशन कंसिडर किया जो कि हमें ये वाला मिला ये पूरा टर्म हमें मिला वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर उसके बाद इसका हमने फेस एंगल कंसिडर किया तो हमें मिला माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए राइट अभी हम लोग क्या करेंगे ओमेगा की अलग अलग वैल्यू कंसिडर करेंगे और हम लोग ये ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड और जो फेस एंगल है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ओमेगा की हमें अलग अलग वैल्यू कंसिडर करना है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ़ ओमेगा और फेस एंगल ऑफ़ एक्स ऑफ ओमेगा हमने कंसिडर किया जो कि बराबर में होगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन है तो यहाँ पर हमने ओमेगा की अलग अलग वैल्यू कंसिडर करी है यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा की वैल्यू जीरो माइनस ए प्लस ए और ये पूरी सीरीज चलते जाएंगे और अल्टीमेटली हमें मिलेगा माइनस इन्फिनी और प्लस इन्फिनिटी तो सबसे पहले अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें एक्स ऑफ ओमेगा का ये जो ट्रांसफॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर करें तो यहाँ पर जो ओमेगा की जो वैल्यू है वो है जीरो और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है फेस एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला पूरा रिलेशन है जो कि कर्सर शो कर रहा है तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ ओमेगा का तो यहाँ पर ये यह जो ओमेगा है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे जीरो पुट कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर हमें मिल जाएगा जीरो हमें मिल जाएगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर स्क्वायर और जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा हमें मिल जाएगा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड वन अपॉन ए तो जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होती है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांसफॉर्म का वो होता है वन अपॉन ए सिमिलरली फेस एंगल अगर हम लोग कंसिडर करें ट्रांसफॉर्म का ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पर तो यहाँ पर ये ओमेगा की जगह क्या पुट करना है हमें यहाँ पर इसको हमने फर्दर ऐसा लिखा था यहाँ पर ये जो ये जो हमने जो फेस एंगल के लिए जो रिलेशन कंसिडर किया था ज़ीरो माइनस टेन वर्स ओमेगा अपॉन है इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा था ज़ीरो नहीं भी कंसिडर करे तो भी चलेगा तो यहाँ पर ये फेस एंगल हमें फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ ओमेगा का तो यहाँ पर ये जो ओमेगा इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते जीरो पुट करेंगे क्यों क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू कितनी है वो है जीरो तो इसके जगह अगर हम लोग जीरो पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा पूरा फेस एंगल जीरो डिग्री मिल जाएगा तो जब ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो होती है तो जो ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वन अपॉन है और जो फेस एंगल होता है ट्रांसफॉर्म का वो हो होता है जीरो डिग्री सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू हम लोग माइनस ए कंसिडर करें तो यहाँ पर ये जो माइनस ओमेगा की वैल्यू जब हम लोग माइनस ए कंसिडर करेंगे तो ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस ए और माइनस ए का अगर हम लोग स्क्वायर कंसिडर करें तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा ए स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा टू ए स्क्वायर यहाँ से हमें मिल जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू इन ए इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं वन अपॉन ए रूट टू तब जब ओमेगा की वैल्यू माइनस ए होती है तो जो मैग्नीट्यूड होता है एक्स ऑफ ओमेगा का वो होता है वन अपॉन ए रूट टू सिमिलरली अगर हम लोग फेस एंगल को अगर हम लोग इवेल्यूएट करें तो यहाँ पर ये यह जो ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हमें क्या पुट करना है माइनस ए तो ओमेगा की जगह जब हम लोग माइनस ए पुट करेंगे क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू कितनी है वह माइनस ए तो ओमेगा की जगह अगर हम लोग माइनस ए पुट करें तो हमें जहाँ माइनस टेन इनवर्स माइनस ए अपन ए जो के बराबर में होगा वन के तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन ये बराबर में होता है फोर्टी फाइव डिग्री के तो जब ओमेगा की वैल्यू प्लस ए होती है तो जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांसफॉर्म का वो होता है वन अपॉन ए रूट टू और जो फेस एंगल होता है ट्रांसफॉर्म का वो होता है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आई मीन जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड जब ओमेगा की वैल्यू माइनस ए होती है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांसफॉम का वो होता है वन अपॉन ए रूट टू और जो फेस एंगल होता है ट्रांसफॉर्म का वो होता है 45 प्लस फोर्टी फाइव डिग्री सिमेट्रिकली जब ओमेगा की वेल प्लस ए होगी तो उसके इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का that, जो सॉरी फॉर दैट जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा वन अपॉन ए अंडर रूट टू और जो फेस एंगल होगा ट्रांसफॉर्म का वो कितना होगा वो होगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आपको प्लस ए प्लस ए मिलेगा जो कि किसके बराबर में होगा माइनस वन के तो आपको माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन आपको मिल जाएगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सिमिलरली पूरी सीरीज चलते जाएंगे जब ओमेगा ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो जो फेस एंगल होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा आई I मीन mean, जब ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा जीरो और जो फेस एंगल होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा प्लस नाइन्टी डिग्री जब ओमेगा की वैल्यू प्लस इन्फिनिट होगी तो जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा जीरो और जो फेस एंगल होगा ट्रांसफॉर्म का वो कितना होगा वो होगा माइनस नाइन्टी डिग्री तो कुछ इस तरीके से हमने ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए जो मैग्नीट्यूड है ट्रांसफॉर्म का उसको हमने ऑप्टेन किया जो मैग्नीट्यूड है ट्रांसफॉर्म का उसको हमने ऑप्टेन किया और जो फेस एंगल है ट्रांसफॉर्म का उसको हमने ऑप्टेन किया यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेस स्पेक्ट्रम तो यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेस स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो हमें किस तरीके से दोनों स्पेक्ट्रम दिखा देंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ अगर नोटिस करें तो जो ओमेगा की जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए जो फेस एंगल है मैग्नीट्यूड में तो खैर हम लोग पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते राइट मगर ओमेगा की अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करें तो उस केस में जो फेस एंगल है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है माइनस ए के लिए फेस एंगल है प्लस फोर्टी फाइव डिग्री माइनस इंफिनिटी के लिए फ़ेस एंगल है प्लस नाइन्टी डिग्री और ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है प्लस ए के लिए जो फेस एंगल है वो है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री प्लस इन्फिनिटी के लिए जो फ़ेस एंगल है वो है माइनस नाइनटी डिग्री आई मीन माइनस नाइन्टी डिग्री हाँ प्लस ए के लिए जो फेस एंगल है वो है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री और प्लस इन्फिनिटी के लिए जो फेस एंगल है वो है माइनस नाइन्टी डिग्री तो कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है कि ओमेगा की अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करें एं, माइनस है माइनस इन्फिनिटी तो उस केस में जो फेस एंगल है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है प्लस फोर्टी फाइव डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री और जब हम लोग ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू कंसडर कर रहे प्लस है एं, प्लस इफिनिटी तो उस केस में जो फेस एंगल है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है माइनस फोटी फाइव डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लो ओमेगा की जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस केस में जो फेस एंगल होता है वो निगेटिव में इंक्रीज़ करता है और जब ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में जो फेस एंगल होता है पॉजिटिव में इंक्रीज़ करता है तो सबसे पहले अगर हम लोग मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करें तो जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इस तरीके से हमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम दिखाई देगा जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का मैक्सिमम होगा और जब ओमेगा की वैल्यू माइनस से होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का वो होगा वन अपॉन ए अंडर रूट टू और जब ओमेगा की वैल्यू प्लस होगी प्लस ए होगी तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा ट्रांसफॉर्म का होगा वन अपॉन ए अंडर अंडर रूट टू और जब ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनी होगी ट्रांसफॉर्म होगा जीरो ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जीरो और जब ओमेगा की वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी तो उस केस में भी ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जीरो तो हमें जो ट्रांसफॉर्म होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओमेगा इज इक्वल टू जीरो ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पर ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम होगा जिसको हमने कंसीडर किया वन ए ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ए पर जो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वन अपॉन ए रूट टू तो ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ए पर जो ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी वन अपॉन ए रूट टू जो कि हमें ये डॉट इंडिकेट कर रहा है सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ए पर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू वन अपॉन ए रूट टू माइनस ए पर भी वन अपॉन ए रूट टू तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए पर भी जो ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होगी वो वन अपॉन ए रूट टू जो कि ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो है प्लस इन्फिनिटी पर भी ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो है जीरो तो ओमेगा इज इक्वल टू प्लस इफिनिटी पर भी जो ट्रांसफॉर्म के जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो होगी जीरो और माइनस इन्फिटी पर भी जो ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो तो जो पॉइंट होगा वो ये लाइन के एकदम क्लोज में होगा यहाँ पर हमने जो एक्स एक्सिस जो कंसिडर है उसके एकदम क्लोज में होगा पॉइंट तो अगर हम लोग ये सारे पॉइंट को अगर हम लोग जॉइंट करते हैं तो जो कर्व होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलेंगी तो यहाँ पर हमने जो स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ किया इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा सिमिलरली अगर हम लोग फेस स्पेक्ट्रम अगर हम लोग ड्रा करें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा सिमिलरली अगर हम लोग फेस स्पेक्ट्रम अगर ड्रा करें फेस प्लॉट अगर हम लोग ड्रा करें जैसे कि हमने डिस्कस किया था ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है और ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फेस प्लॉट यहाँ पर ये यह ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू होगी ओरिजिन के राइट हैंड साइड में ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो अगर हम लोग देखें ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी ये 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 वाला ग्राफ ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है बहुत हद तक के क्लियर है फेस एंगल नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है कर्सर की टिप जो कि शो कर रही है और अगर हम लोग देखें ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू के लिए ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो फेस एंगल है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है जो फेस एंगल है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में इंक्रीज़ कर रहा है जो कि ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है तो जब ओमेगा की वैल्यू माइनस ए होती है ओमेगा की वैल्यू माइनस ए होती है तो उस केस में जो फेस एंगल होता है वो कितना होता है वो होता है प्लस फोर्टी फाइव डिग्री हमने डिस्कस किया और जब ओमेगा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है तो फेस एंगल कितना होता है वो होता है प्लस नाइन्टी डिग्री सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू माइनस फोर्टी फाइव डिग्री होगी जब ओमेगा की वैल्यू प्लस ए होगी तो उस केस में जो फेस एंगल होगा हो वो कितना होगा होगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू प्लस इन्फीटी होगी तो उस केस में जो फेस एंगल होगा जो कि होगा माइनस नाइन्टी डिग्री तो जब ओमेगा की वैल्यू प्लस इन्फीटी होती है तो उस केस में जो फेस एंगल होगा वो होगा माइनस नाइन्टी डिग्री और जब ओमेगा की वैल्यू प्लस से होगी तो उस केस में जो फेस एंगल होगा वो होगा माइनस फोटी फाइव डिग्री ओमेगा की वैल्यू जब प्लस से होगी तो उस केस में जो फेस एंगल होगा वो होगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तो हमें कुछ इस तरीके से फेस प्लॉट मिलेगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेस स्पेक्ट्रम मिलेगा किसका एक्स ऑफ ओमेगा का तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल था वो था ई टू दी पावर माइनस ई टी यू ऑफ टी सिग्नल तो ये जो सिग्नल है वो नॉन प्रियोडिक सिग्नल है जो कि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है तो ये जो ऑफ एक्सॉफ्टी जो सिग्नल है वो नॉन प्रियोडिक सिग्नल था और ये नॉन प्रियोडिक सिग्नल के लिए हमने ऑप्टेन किया फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जो कि वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा तो कुछ इस तरीके से और उसका हमने ये जो हमने जो ट्रांसफॉर्म जो ऑप्टेन किया उसको हमने एनालिसिस की ओमेगा के रेस्पेक्ट में ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए जो ट्रांसफॉर्म है इसका हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया और फेस एंगल कंसिडर किया और हमें कुछ इस तरीके से मिला मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और हमें ये वाला मिला फेस स्पेक्ट्रम सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एक्सरॉफ्टी सिग्नल है जो कि इम्पल्स सिग्नल तो जो इम्पल्सर सिग्नल है इसका हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है फाइंड फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस से सिग्नल तो हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है इम्पल्सर सिग्नल है तो एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग कंसिडर करेंगे डेल ऑफ टी तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें हमें पता है इम्पल्सर सिग्नल कैसा होता है इम्पल्सर सिग्नल को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वन और जो का सिग्नल होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं डेल ऑफ टी तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी है इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे डेल ऑफ टी तो यहाँ पर ये डेल ऑफ टी इन टू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर हम लोग अप्लाई करें ये का सिग्नल और यहाँ पर ये ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर करते तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें यही वाला सिग्नल मिलेगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी जहाँ पर ये इम्पल्स एग्जिस्ट करता है ये इम्पल्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है टी इज इक्वल टू जीरो पर तो हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा एक्स ऑफ ओमेगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी एट टी इज इक्वल टू जीरो टी की जगह पुट कर देंगे जीरो हमें मिल मिलेगा ई टू दी पावर जीरो जो कि बराबर में होगा वन के तो जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिल रहा है सिग्नल का वो है वन और यहाँ पर ये जो वन है वो एक कॉन्सटेंट वैल्यू है कॉन्सटेंट वैल्यू इसका मतलब हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें मिलेगा तो कॉन्सटेंट सिग्नल तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये हमने इम्पल्सर सिग्नल कंसिडर किया टाइम डोमेन में उसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया जिसके वजह से फ्रिकुनसी डोमेन में हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है वो हमें कौन सा सिग्नल मिल रहा है हमें कॉन्स्टेंट सिग्नल मिल रहा है जिसकी जो वैल्यू है वो है वन और ये जो सिग्नल है इसको हम लोग शो करेंगे एक्स ऑफ ओमेगा से तो ये जो कॉन्स्टेंट सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है वन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर लो अगर टाइम डोमेन में इंपल्सर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है आपने उसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लिया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा कॉन्स्टेंट सिग्नल मिलेगा तो अगर अगर हम लोग देखें इंपल्स सिग्नल अगर एग्जिस्ट करता है टाइम डोमेन में इम्पल्स इन टाइम डोमेन विल गेट कन्वर्ट इन टू कॉन्सटेंट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बाई टेकिंग फोर ईयर ट्रांसफॉमेशन इंपल्स सिग्नल अगर टाइम डोमेन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लेने की वजह से टाइम डोमेन फ्रीकवेंसी डोमेन टाइम डोमेन में इम्पल्स सिग्नल और यहाँ पर फ्रिकुवेंसी डोमेन में हमने कंसिडर किया कॉन्स्टेंट सिग्नल टाइम डोमेन फ्रिकुवेंसी डोमेन इंपल्स कॉन्स्टेंट सिग्नल टाइम डोमेन में अगर से सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है उसका हमने फोर ईयर ट्रांसफॉम लिया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें मिलेगा कॉन्स्टेंट सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्स्टेंट सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है इसका हमने फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लिया तो टाइम डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा impulse से सिग्नल मिलेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको एनी हाउ रिमेंबर करने की कोशिश करो क्योंकि बार बार इस पर क्वेश्चन बनेंगे अगर टाइम डोमेन में से सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्स्टेंट सिग्नल ट्रांसफॉर्म लेने के बाद और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कॉन्स्टेंट सिग्नल है तो उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म लेंगे तो टाइम डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा हमें मिलेगा इम्पल्स सिग्नल सिमिलरली नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हमने सिग्नल कंसिडर किया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो सिग्नल है इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस ए ट यू ऑफ टी इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस ई टू दी पावर ए ट यू ऑफ माइनस टी तो ये है हमारे पास एक्सपी सिग्नल एक्सपी सिग्नल हमें दिया था है ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी उसको हमने ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिखा तो यहाँ पर ये सिग्नल के बारे में हमने डिस्कस किया है जो सिग्नल होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये जो सिग्नल होता है ये सिग्नल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी एग्जिस्ट करता है और टी लेस देन जीरो के लिए भी एग्जिस्ट करता है और जो सिग्नल होता है वो एक्सपोनेंशियली डी करता है तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेगा और टी लेस देन जीरो के लिए हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेगा टी लेस देन जीरो टी ग्रेटर देन जीरो टी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमें टी ग्रेटर देन जीरो के लिए मिल रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी और टी लेस देन जीरो के लिए हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी तो बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिग्नल ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ टी ये जो सिग्नल होता है वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है और एक्सपोनेंशियली डिगिंग सिग्नल होता है और ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी ये टी लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है और ये भी जो सिग्नल होता है वो एक्सपोनेंशियली डीके करता है तो यहां पर इसके लिए हमें जो सिग्नल जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी हमें फाइंड आउट करना है सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म तो हमारे पास है ये रिलेशन एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनटी एक्स ऑफ टी इंटू टू दावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी एक्स ऑफ टी यहाँ पर अपेयर कर रहा है वो इसके बराबर में तो एक्स ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे ए टू दि पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी तो मिले यहाँ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी ए टू दी पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी इन टू ए टू दी पावर माइनस जीओ मेगा टी डी टी अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग करके आ रहे हैं यहाँ पर ये यह हमें जो सिग्नल जो दिया है यहाँ पर हम लोग करके आ रहे हैं यहाँ पर ये यह हमें जो सिग्नल जो दिया हुआ है ये जो सिग्नल है इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं right? राइट ये सिग्नल के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो ई टू दावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी इन टू ई टू दी पावर माइनस जी ओ मेगा टी डी टी हमने यहाँ पर लिखा ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो इसके बराबर में तो एक्स ऑफ टी की जगह हमने पुट कर दिया ये पूरा पुर, ये पूरा सिग्नल तो हमने यहाँ पर पूरा सिग्नल कंसिडर किया और ये जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये यह जो टर्म है ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी उसको हम लोग सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी तो अभी मिल जाएगा ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी इन टू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी प्लस साइन अभी ये वाला जो टर्म है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी इन टू ई ई टू दी पावर माइनस जी ओ टी डी टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें यू ऑफ माइनस टी सिग्नल दिखाई दे रहा है हमें पता है ये जो यू ऑफ माइनस टी जो सिग्नल होगा इसके एक्जिस्टिंग की जो लिमिट होगी ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी इसकी एक्जिस्टिंग लिमिट माइनस इन्फिनी से जीरो होती है हमने डिस्कस किया ई टू ई ई टू दी पावर ई टू दी पावर एटी यू ऑफ़ माइनस टी इसकी जो एक्जिस्टिंग हो, लिमिट होती है वो जीरो से माइनस इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिग्नल है ई टू दी पावर ए टी और माइनस टी इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो या फिर बोल सकते हैं ज़ीरो से माइनस इन्फिटी तो यहाँ पर हम लोग जो लिमिट जो कंसिडर करेंगे होगी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और यहाँ पर हमने कंसिडर किया इंटीग्रेशन के साइन और यहाँ पर ये सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी वह होगी वन तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर ए टी इन टू ई ई टू दी पावर माइनस जीओ मेगा टी और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डी टी यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्लस साइन e टू दी पावर माइनस ए टी यू टी यहाँ पर ये ई टू दी पावर माइनस ई टी यू टी जो सिग्नल होता है इसके जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल यूज़ करेंगे और जो लिमिट होगी वो हो होगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी और सिग्नल की वैल्यू होती है वन तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर ए माइनस जी ओमेगा टी और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके लिए ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था जो कि था वन अपॉन ए प्लस जी मेगा ये सिग्नल का ट्रांसफॉर्म हमें पता है जो कि हमने फाइंड आउट किया थोड़े टाइम पहले जो कि वन अपॉन ए प्लस जी मेगा तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करके ई टू दी पावर ए माइनस मेगा टी और इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा माइनस इफिनिटी से जीरो तो हमें जब उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर ई टू दी पावर ए माइनस जी ओमेगा मेगा टी जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस इफिनिटी से ज़ीरो तो हमें क्या मिल रहा है ई टू दी पावर ए माइनस जी ओमेगा ई टू दी पावर ए माइनस जी ओमेगा टी और डिनोमिनेटर में ए माइनस जी ओमेगा लोअर लिमिट माइनस इन्फिनी और जो अपर लिमिट होगी वो भी ज़ीरो और यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस साइन और यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा इज ईक्वल टू यहाँ पर ये जो टी है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे जीरो तो हमें मिल जाए ई टू दी पावर तो जीरो जो कि बराबर में होगा वन के माइनस टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी हमें मिल जाए ई टू दी पावर इन्फिनिटी जो कि बराबर में होगा जीरो के तो यहाँ पर हमने जीरो कंसिडर किया है और ये जो ए माइनस जी ओमेगा उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया प्लस वन अपॉइन ए प्लस जी ओमेगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन ए मा जी ओमेगा प्लस आप वन अपॉन ए प्लस जी ओमेगा ए प्लस जी ओमेगा को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मिल जाए ए प्लस जी ओमेगा प्लस साइन ए माइनस जी ओमेगा वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मिल जाए ए माइनस जी ओमेगा ए माइनस जी ओमेगा ए प्लस जी ओमेगा उसको हमने एज इट इज़ लिखा यहाँ से प्लस जी ओमेगा माइनस जी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा ए प्लस से हमें मिल जाएगा टू ए यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी ये बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के और सिमिलरली ये हमें ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो ये किसके बराबर में होगा ये बराबर में होगा ए स्क्वायर माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर के तो हमें क्या मिल जाएगा टू ए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस जे ओमेगा होल स्क्वायर के तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं टू ए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ई टू दी पावर माइनस है मॉड ऑफ डी ये जो सिग्नल होता है इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है टू ए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पर ये यह जो सिग्नल था इसका हमें फोर ईयर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी तो ये जो सिग्नल है ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हमें जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है टू एव और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लो सिमिलरली अगर हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है ई टू दी पावर माइनस फोर टी यू टी इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा होगा वन अपॉन फोर प्लस जी होमेगा वेरी इंपॉर्टेंट फोर इंटू डेल ऑफ्टी इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ले तो हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल जो मिलेगा वो कॉन्सटेंट सिग्नल मिलेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फोर हमने डिस्कस किया था इम्पल्स सिग्नल का अगर हम लोग ट्रांसफार्म लेते हैं फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता? मिलता है हमें कॉन्स्टेंट सिग्नल मिलता है इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू अगर टाइम डोमेन में अगर फोर है तो उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमें जो कॉन्स्टेंट सिग्नल मिलेगा उसकी भी जो वैल्यू होगी वो होगी फोर सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर e टू दी पावर माइनस टू मॉड ऑफ टी ये सिग्नल कंसिडर करें तो इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा होगा टू इन टू टू डिनोमिनेटर में फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये हमें कैसा मिला सिंपल इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो माइनस टू है वो माइनस ए के बराबर में तो माइनस ए माइनस टू के बराबर में या फिर बोल सकते हैं माइनस टू माइनस ए के बराबर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू टू तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए इसके लिए ट्रांसफॉर्म अगर टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू अगर टू होती है तो हमें क्या मिल जाएगा टू इंटू टू यहाँ पर ये ए की जगह टू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टू फोर प्लस यहाँ पर हम लोग टू टू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब हमने क्या डिस्कस किया e टू दी पावर माइनस टू मॉड ऑफ़ टी इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है टू इंटू टू फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें e टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी के साथ तो जो माइनस टू है वो माइनस ए के बराबर में माइनस टू माइनस ए के बराबर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमें मिल जाएगा ए की वैल्यू टू तो जो ए की जो वैल्यू है वो है टू तो यहाँ पर हमें जो ए जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे टू यहाँ पर भी पुट कर देंगे टू तो हमें क्या मिल जाएगा टू इन टू फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ए टू दी पावर माइनस थ्री मॉडी इसका अगर फोर ईयर ट्रांसफॉर्म निकाले तो सिमिलरली इसको इससे कंपेयर करें माइनस थ्री माइनस ए के बराबर में माइनस माइनस कैंसिल ए इज इक्वल टू थ्री एक की जगह सिंपली पुट कर देंगे थ्री यहाँ पर भी थ्री पुट कर देंगे हमें मिल जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री नाइन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ई टू दी पावर माइनस थ्री मॉड ऑफ टीज का जो फोर जीयर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है टू इंटू थ्री डिनोमिनेटर में नाइन प्लस ओमेगा स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टीज का फोर जीयर ट्रांसफॉर्म होगा टू ए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ई टू दी पावर माइनस टू मॉड ऑफ टीज का जो फोर जीयर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा टू इंटू टू डिनोमिनेटर में फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा फोर और यहाँ पर इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वन अपॉन्न फोर प्लस जी होमेंगेगा तो कुछ इस तरीके से जो सिग्नल्स हो गए उसके हमें फोर ईयर ट्रांसफॉम फाइंड आउट करना पड़ेगा और जब हम लोग सिग्नल का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलेगा वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक्जिस्ट करेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जिसमें हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कॉन्विशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमने फोर ईयर सीरीज में डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम रहेगा जो हमने फोर ईयर सीरीज में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले सिर्फ जो टर्म्स हो उसमें चेंजेस हो गए मगर कॉन्सेप्ट वही रहेगा और डिफरेंस किस में रहेगा स्केलिंग प्रॉपर्टी में रहेगा जो कि हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ इन फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट में